काली सास बहू का जादुई पिज्जा दुकान। किंजल और मायावती नाम की काली सास बहू बहुत दुखियारी थी। वो एक झुग्गी झोपड़ी वाले कस्बों में रहती थी। मायावती का पति तो पहले ही बीमारी में चल बसा था, फिर 2 हफ्ते पहले किंजल का पति रमेश भी एक्सीडेंट के कारण चल बसा। घर के बचे कुचे राशन को वो थोड़े ही दिन में समाप्त कर लेती है। एक मुट्ठी चावल की उसने पानी डालकर खिचड़ी बनाई थी। ये बनाकर वो अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी खाना खा लीजिए। इस पानी वाली दाल खिचड़ी को तो खाना कहती है? अरे खाना तो वो होता था जब मेरा बेटा रोज अलग अलग तरह के सब्जियां लाया करता था, और अब देखो क्या गरीबी की जिंदगी आ गई है। माँ जी मैं जानती हूँ आप अपने बेटे को बहुत याद कर रही हैं, और अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो था वो भी मैंने मुट्ठी भर दाल चावल की खिचड़ी बना दिया। अगले पल खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, हमें कोई काम ढूंढना होगा। ठीक है तू कोई देख ले काम। सास की बात सुनकर वो कहीं भी काम मांगने जाती है तो उसके काले रंग की वजह से उसे धिक्कार दिया जाता है और कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए खाली हाथ और आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए किंजल घर लौटती है। तभी माया पूछती है, क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू कैसे? माँ जी हमारे काले रंग रूप की वजह से हमें काम भी नहीं मिल सकता। आजकल दुनिया बहुत जालिम हो गई है, शायद हमें अपना ही कोई काम करना होगा। क्यों ना बहू हम पिज्जा बनाने का काम कर लें। तेरे ससुर जी पिज्जा बनाया करते थे, उसकी मशीन घर पर रखी है, पर हम दोनों को तो पिज्जा बनाना आता नहीं है, और उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। उसकी टेंशन आप मत लीजिए माँ जी, मेरा एक जानकार है, मैं उससे कुछ पैसों का कर्जा लेकर पिज्जा बनाने का सामान ले आऊंगी। और रही बात बनाने की, तो पिज्जा बनाने का तरीका मैं पिज्जा वाले की दुकान पर छुपकर देख लूंगी, फिर हम बनाएंगे। ठीक है बहू। ये कहकर किंजल उस जानकार से कर्जा लेकर पिज्जा बनाने का सामान ले आती है, साथ ही पिज्जा वाले को देख कर पिज्जा बनाने का तरीका भी जान लेती है। जब घर लौटती है तो सास ने उस पिज्जा मशीन को निकाल लिया था, और फिर सास बहू पिज्जा बनाकर अपना पहला पिज्जा माता रानी के मंदिर में रखते हैं। माता रानी ये हमारी शुरुआत का छोटा सा नमूना है, आप इसे ग्रहण करें और आशीर्वाद दीजिए। कुछ देर बाद वो उस पिज्जा को चक्कर कहते हैं। अरे वाह माँ जी, जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा हमारा पिज्जा अच्छा बना है। हाँ बहू, पर ये रबड़ की तरह क्यों खिंच रहा है? माँ जी वह रबड़ नहीं चीज होता है, इसी को तो सब आजकल खाते हैं। तभी दोनों सास बहू और पिज्जा तैयार कर ठेले पर लगाकर बेचने लगती हैं। आइए आइए गर्मा गर्म चीज वाला पिज्जा ले जाइए, आइए आइए मात्र 30 रुपए का पिज्जा खा लीजिए। अरे चलना पिज्जा खाते हैं, सिर्फ 30 रुपए का है। अरे नहीं इतना सस्ता पिज्जा, पता नहीं कैसे बनाया होगा। इन काले लोगों से मुझे नहीं लेना, इनसे कोई पिज्जा मुझे नहीं लेना, मैं तो बड़ी दुकान से ही जाकर खाऊंगा। ठीक है तू मत खाना अब, मैं ही खा लूंगा, अब चले। तभी राहुल उन काली सास बहू से पिज्जा खाकर कहता है, अरे वाह आप दोनों ने तो बहुत अच्छा पिज्जा बनाया है, लगा ही नहीं कि इतने कम पैसों में इतना अच्छा चीज वाला पिज्जा मिलेगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हें हमारा पिज्जा पसंद आया। फिर राहुल उसे पैसे देकर चला जाता है। उस दिन कुछ खास कमाई नहीं होती तो घर आकर शाम को किंजल कहती है, माँ जी हमारा पिज्जा तो पसंद आया पर लेने कोई नहीं आया, अब क्या करेंगे? बहू चिंता मत कर, हम रोज बेचेंगे तो सब आया करेंगे, अभी नया नया है ना, तो ज्यादा लोगों को पता नहीं है। फिर 3 दिन में उनकी पिज्जा की दुकान चलने लग जाती है, पर अचानक उनका पिज्जा बनाने वाला ओवन खराब हो जाता है। पिज्जा न बनने के कारण दोनों रोने लगती हैं, पर हिम्मत न हारने पर वो कुकर में पिज्जा तैयार करने की कोशिश करती हैं। पिज्जा तो बन जाता है पर उसमें बहुत समय और गैस लगती है, और पिज्जा बनाते बनाते सास बहू दोनों के हाथ जल जाते हैं। तभी पिज्जा निकालते वक्त कुकर किंजल के हाथ पर फिर लग जाता है, जिससे वो कहती है, लगता है हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे ठीक से, हमें यही भूखा मरना पड़ेगा। ऐसा कर तू इसे ठंडे पानी में हाथ भिगो ले, आराम पड़ेगा। माता रानी हम पर दया करो, लोगों को हमारे पिज्जा पसंद आ गए पर अब हमारा पिज्जा बनाने वाला खराब हो गया, हम कैसे पिज्जा बनाएंगे?
लगता है माँ जी हमारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, अब कुछ नहीं हो सकता। बहू के रोते ही वहाँ माता रानी एक तेज रोशनी में प्रकट होती हैं और कहती हैं, पुत्री रो मत, मैं तुम्हारी मुश्किलों का अभी हल कर देती हूँ। तुम सास बहू बहुत नेक दिल की हो और तुम्हारी दृढ़ निश्चय देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों को इतनी परेशानी हुई पिज्जा बनाने में और तुम्हारे हाथ भी जल गए, इसलिए मैं तुम्हें पिज्जा बनाने वाली जादुई मशीन दे रही हूँ। इसमें बस तुम एक साथ पिज्जा का सामान डाल देना, वह खुद ब खुद बनकर आ जाएगा। माता रानी, आपके दर्शन और वरदान से तो हम कोटि कोटि धन्य हो गए। माता रानी आपका लाख लाख शुक्रिया। माता रानी अपने वरदान के स्वरूप उन्हें पिज्जा मशीन एक चमकती हुई रोशनी में देकर चली जाती है, जिसके बाद सास बहू उस मशीन में पिज्जा बनाने का सारा सामान डाल देती है और देखते ही देखते सारे पिज्जा फटाफट बनकर बाहर आ जाते हैं। ये देखकर सास कहती है, माता रानी के आशीर्वाद से कमाल हो गया, हमारी सारी मुश्किलें खत्म। इससे तो झटपट पिज्जा बनकर आ रहा है, चलो इन्हें बेचने चलते हैं। हाँ माँ जी। तभी दोनों सास बहू पिज्जा बेचने बाजार चले जाते हैं। उनके खूबसूरत पिज्जा को देखकर सभी लोग खींचे चले आते हैं। तभी एक टकला आदमी आकर कहता है, अरे सुनिए, जरा मुझे एक रेगुलर वाला पिज्जा दे दीजिए। ये लीजिए अंकल आपका पिज्जा। पिज्जा का एक बाइट खाते ही आदमी के सिर पर घने सुंदर काले से बाल आ जाते हैं। बालों का एहसास होने पर वो अपने सिर पर हाथ रखकर खुशी से कहता है, अरे वाह, ये क्या हो गया, अचानक से मेरी टकली चांद पर ये खूबसूरत बाल कैसे आ गए। अरे धन्यवाद आपका, आपका पिज्जा खाते ही मेरा तो उद्धार हो गया। आपका पिज्जा तो बहुत अच्छा है, दीजिए ले लीजिए, ये लीजिए पैसे लीजिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तभी काली सास बहू को कुछ समझ नहीं आया और वो आदमी खुश होकर पिज्जा खाकर चला गया। तभी कुछ और लोग भी आते हैं। एक अबाहिज लड़की उस पिज्जा को खाती है तो जादू से उसका पैर ठीक हो जाता है। एक काला लड़का सास बहू से पिज्जा लेकर खाता है तो वो भी उन्हीं के सामने गोरा हो जाता है। ये देखकर सास बहू फिर आश्चर्यचकित होती है और कहती है, लगता है बहू माता रानी इसी दूसरे जादू के बारे में बात कर रही थी। हमारा पिज्जा खाकर कितने लोग यहाँ से खुश होकर जा रहे हैं, उनकी परेशानियाँ दूर हो गई। हम भी इस पिज्जा को खाकर देखते हैं। हाँ माँ जी। तभी सास बहू अपना बनाया हुआ पिज्जा खाती हैं, जिसे खाकर वो दोनों भी गोरी चिट्टी हो जाती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी जरा आप खुद को देखिए, कितनी दूध की तरह गोरी चिट्टी हो गई है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अरे बहू तू भी रसगुल्ले की तरह गोरी हो गई है, लगता है माता रानी ने हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। पिज्जा बेचने से हम अपने पैरों पर भी खड़े हो गए और कोई हमारे रंग रूप का मजाक भी नहीं उड़ाएगा। हाँ माँ जी। तभी एक एक करके उनके सारे पिज्जा खत्म हो जाते हैं। वो दोबारा उस जादुई पिज्जा मशीन की सहायता से पिज्जा बेचने लगती है। देखते ही देखते उनका पिज्जा मशहूर हो जाता है और दोनों सास बहू अमीर हो जाती हैं, जिनसे अब उनके पास एक बड़ा बंगला था जहां दो नौकर चाकर भी थे और पिज्जा का बड़ा रेस्टोरेंट खोला था। वहां दूर दूर से लोग उनका तरह तरह का पिज्जा खाने आया करते थे। अरे वाह आंटी, आपने बहुत अच्छा बनाया है, आप तो वही है ना जो पहले ठेले पर पिज्जा बनाती थी। हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, दोनों ने बहुत अच्छे से मेहनत की जो आज इस कदर सफल हो गए हो। हाँ किसी चीज को शिद्दत से करो तो पूरी कायनात उसे हमारा बनाने की साजिश करती है, वही हमारे साथ हुआ है। बहुत अच्छी बात है आंटी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे यहाँ पर जॉब दे सकती हैं? दरअसल मैं बहुत टाइम से जॉब की तलाश में हूँ। हाँ हाँ, अगर इन सब चीज का हिसाब लगाने में या पिज्जा बेचने में मदद कर सकते हो तो आ जाओ। जी आंटी मैं ये काम जरूर करूंगा। इस तरह सास बहू लड़के को अपने पिज्जा बनाने के रेस्टोरेंट में काम दे देती है, जिसके बाद वो बहुत मेहनत करता है और सास बहू यूं ही तरक्की करती है और उनका जादू पिज्जा खाकर लोग ठीक हो जाते हैं। पारो बहन की शादी देखते हुए, जानकी मैंने सोचा नहीं था कि हमें ये दिन भी नसीब होगा, देखो तो मेरी बहन की कितनी धूमधाम से शादी हो रही है। अजी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो सुना ही होगा आपने, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है।
सही बोली बहू तू। याद है एक समय हम कितना परेशान थे, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, पर अब देखो क्या कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ माँ, गांव के अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं अब हम। आखिर माधव और उसका परिवार ऐसा क्यों कह रहा था? क्या उनके हालात सच में बुरे थे? और ऐसा भी था तो ये अचानक अमीर कैसे हो गए? आखिर उसके परिवार को धन दौलत कैसे हासिल हुई? ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ माधव बहुत गरीब किसान था जो फटे कपड़ों में रहता था। उसके घर में उसका छोटा 5 साल का बेटा राजू था, पत्नी जानकी, माँ जमुना और बहन पारो थी। उन सब का खर्चा उठाने के लिए केवल माधव ही था, जो कि अपने खेत में बहुत मजदूरी किया करता था। 2 बार तो उसकी फसल खराब हो चुकी थी, इसलिए 3री बार उसने ककड़ी का पेड़ उगाना ठीक समझा, जिस पर अब फूलों में से ककड़ियां आना शुरू हो गई थी। एक दिन माधव खाते समय अपनी पत्नी और माँ से कहता है, माँ इस बार देखना हमारी किस्मत खुल जाएगी, अगर ये ककड़ियां अच्छे से आ गई तो इसे बेचने से हमारे घर की थोड़ी बहुत स्थिति तो सुधर ही जाएगी। मुझे तो पूरा यकीन है तुझ पर मेरे बेटे, देखना भगवान तुझे तेरी परिश्रम का फल जरूर देंगे। पापा मुझे 3 पहिये वाली टाइटल चाहिए, वो बिट्टू है ना, वो उस पर भी 3 पहिये वाली टाइटल है। राजू बेटा, जब पापा पर पैसे होंगे तो वह ले आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। अच्छा, फिर तो राजू की 3 पहिये वाली साइकिल मैं भी चलाऊंगी। माधव जी, एक बात कहनी थी मुझे, वो घर में राशन नहीं है, खत्म हो गया है, कल आप जल्दी से बाजार जाकर ये बेच देना ताकि घर में खाना बन सके। मैं जानता हूँ जानकी, तुम फिकर मत करो, घर का राशन, पारो की शादी, सबका खर्चा देखना है। अगले दिन जैसे ही माधव अपने खेत में ककड़ी के पेड़ से ककड़ियां तोड़ने जाता है तो देखता है उसकी सारी ककड़ी खराब हो चुकी है, पेड़ अस्त व्यस्त थे। ये देख कर वो अपनी छाती पीट कर रोने लगता है। हे भगवान, तूने मुझे ऐसे दिन क्यों दिखाए, तूने फिर से मेरी मेहनत खराब कर दी। ककड़ी के पेड़ उगाए थे वो भी नहीं हुए, 3-4 पेड़ में से एक भी नहीं है, अब मैं घर की जरूरतें पूरी कैसे करूंगा। ये कहकर वो बेकार 2-4 ककड़ियों को उठाकर अपने घर ले आता है। उसे देखते ही सबके अरमान जाग उठते थे। अजी आप ककड़ियों को बेचकर बड़ी जल्दी आ गए, कितनी आमदनी हुई? हाँ बेटा बताना, टाइकल लाए हो ना। उन सब की बातें सुनकर माधव फूट फूट कर रोने लगता है, और जब जानकी उससे वजह पूछती है तो वो अपने हाथ में लाई खराब ककड़ियां दिखाता है और अपने परिवार को सब कुछ बताता है, जिसके बाद उसका परिवार भी मायूस हो जाता है। उन पर अकाल टूट पड़ा था, पारो का बसा बसाया रिश्ता दहेज न देने के कारण टूट जाता है, घर में खाने का राशन नहीं होता, जिस वजह से पारो अपनी भाभी से लड़ने लगती है, घर के हालात बिगड़ जाते हैं। भूखे बेटे को खाना खिलाने के लिए जानकी मंदिर से खाना खिलाती है, घर के बाकी जने भूखे रहते हैं। इस स्थिति को देखकर एक सुबह जानकी कहती है, हे भगवान, हमारे घर में इतनी दिक्कत है कि मेरा पति कितना परेशान है, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। रोते हुए वो अपने पति की बंजर लग ककड़ियों के खेत के पास जाती है और उन सारी सड़ी हुई लटकी ककड़ियों को देखकर कहती है, हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? जो गरीब किसान अपने परिवार के 4 सदस्यों को खिलाने के लिए इतनी मेहनत करता है, उससे आपने सारी खुशियां छीन ली, इससे तो अच्छा आप हमें ये जिंदगी ही मत दीजिए। तभी जमीन से धरती माँ निकलकर उनके सामने आती हैं और कहती हैं, पुत्री रोना बंद करो, मैं तुम्हारी परिस्थिति को अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। तुम्हारे पति ने सच में इस जमीन पर बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब से ये 4 पेड़ ककड़ी के जादुई पेड़ होंगे, तुम इससे जितनी बार भी ककड़ियाँ खींचोगी उतनी और आती जाएंगी, और सबसे बड़ा ककड़ी का जो पेड़ है उसमें पूर्णिमा के दिन सोने के बीज निकलेंगे, जिससे तुम अपने घर की सारी परिस्थिति को संभाल सकती हो। धरती माँ आपका कोटि कोटि शुक्रिया। ये सुनते ही धरती माँ धरती में बस जाती है और ये बात वो अपने पति माधव को बताती है, जिसे सुनकर वो भागा भागा वहाँ आता है और जादुई ककड़ी के पेड़ से ककड़ियाँ तोड़ता है तो एक के बाद एक नई आने लगती है।
अरे हाँ जानकी, तुम तो बिल्कुल सच कह रही थी। आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। मैं इन ककड़ियों को बेच कर आता हूँ। जब तक तुम इसे ही अपनी सब्जी बना लो। दो दिन से ठीक से किसी ने कुछ खाया भी नहीं है। जी आप निश्चिंत रहिए। तभी माधव ठेले पर ककड़ियों को सजाकर बेचने लगता है। ककड़ी ले लो, ककड़ी ताजी ताजी स्वादिष्ट ककड़ी, ककड़ी ले लीजिए सिर्फ 20 रुपए किलो, ककड़ी ककड़ी। सस्ती ककड़ी देखकर आसपास के सभी लोग माधव से खरीदने लगते हैं और देखते ही देखते पहले दिन ही उसकी आमदनी बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही वो अगले दिन भी जादुई पेड़ से ककड़ियां तोड़ता है और बाजार में बेचने लगता है। जिन पैसों से वो अपने बेटे के लिए 3 पहिए की साइकिल और घर का सारा राशन लाता है, जिसके बाद वो बढ़िया खाना खाते हुए कहते हैं, भाभी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। भैया आपने तो पहले वाले लड़के से भी ज्यादा मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का चुना है। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गरीबी के दिनों में ना जाने क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं पारो, ऐसा तो हर किसी के साथ हो जाता है। अब देखना तेरा भैया कितनी धूमधाम से पूरे गांव में सबसे अच्छी और महंगी शादी करेगा तेरी। अरे माधव जी, आपको याद है कल पूर्णिमा है, जादुई ककड़ी के पेड़ से सोने के बीज निकलने वाले हैं, क्यों ना उससे मैं ननद जी के गहने बनवा दूं? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक याद दिलवाया, उसके गहने भी तो बनवाने हैं, और उनमें से अपने लिए भी बनवा लेना तुम, अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हो। आप निश्चिंत रहिए। इस तरह सभी लोग मिलजुल कर बढ़िया स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। अगले दिन पति पत्नी दोनों जादुई बड़े वाले ककड़ी के पेड़ के पास जाते हैं और उसे पेड़ से तोड़ने के बाद उसके 2 हिस्से करते हैं, जिसमें सुनहरी सोने के बीज निकलते हैं। माधव जी देखिए, हमारी किस्मत ये सोने के बीज, इससे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हो जाएंगे, लेकिन इससे हम अपने जैसे गरीब लोगों की भी मदद करेंगे और धूमधाम से पारो की शादी। तभी दोनों 5-6 जादुई ककड़ी को तोड़ लेते हैं। घर जाकर जादुई ककड़ी में से सोने के बीज निकाल लेते हैं, जिन्हें बेचकर वो बहुत सुंदर और महंगे गहने बनवा लेते हैं। छत से पानी टपकने पर जमुना कहती है, इतना सब कुछ करवा लिया है, ये घर भी बनवा ले। जी माँ। तभी माधव उन जादुई ककड़ी के सोने के बीज की सहायता से अपना आलीशान घर बनाता है, जहाँ 2 महीने बाद वो अपनी बहन की शादी अमीरों की तरह कराता है। उसके घर को देखकर सब चकाचौंध हो जाते हैं। खाने से लेकर बैंड बाजे तक सब पर बहुत पैसा लगाया था। पारो को शादी करता देख माधव जमुना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, जानकी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी नसीब होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज हमें इतना अमीर देखकर कोई नहीं कह सकता कि हमारे भी खाने के लाले पड़े थे। जादुई ककड़ी के वजह से आज हमारा जीवन बेहतरीन हो चुका है। हाँ माँ जी। विदा होते समय पारो अपने भाई के गले लगकर कहती है, भाई आपने मेरे लिए इतना अच्छा किया है कि मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। बुआ मेरे से मिलने आना शादी के बाद। हाँ मेरे भतीजे। तभी पारो खुशी खुशी विदा हो जाती है, जिसके बाद माधव भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। साथ ही गरीब लोगों को रोज सुबह शाम खाना और कंबल बांटता है, उनकी सहायता करता है और जादुई ककड़ी को बेचकर अभी भी अपना घर चलाता है। जूनागढ़ गांव में रहने वाली मंदा देवी के 3 बेटे थे, संदीप आनंद राजेश, जिनकी शादी से मंदा 3 बहू सीता हेमलता और झुमरी की सास बन गई। मंदा के भीतर चुगलखोरी की बहुत बुरी लत थी। वह दिन दोपहर मोहल्ले की औरतों में अपनी 3 बहुओं की चुगलखोरी का बायना बांटना दे उसके पेट का पानी कहाँ पचता था। अरे क्या हुआ मंदा रानी, तेरा मुंह फटे दूध की फफूंदी के जैसे काहे हुआ है? आज फिर तेरी बड़ बोली बहू ने कुछ बोला क्या? अरे का कहूँ कादम्बरी, मेरी 3 बहुओं ने तो मुझ बुढ़िया की जान खा रखी है। किचन में काम कम करती है, कुड़कुड़ाती ज्यादा है। अरे तू भी कुछ कम थोड़ी है मंदा, जब देखो बिचारी बहुओं को खरी खोटी सुनाने का मौका खोजती रहती है। अरे तू तो मेरी सहेली होकर मेरी बहुरानियों की रमता जोगी क्यों बन रही है? अभी तक सास बनने का स्वाद चखा नहीं है ना तूने, इसीलिए बहू की बड़ाई कर रही है। जिस दिन सत्तू की शादी करेगी तो भेंट होगा तुझे कि सास की आस कैसे टूटती है। अरे सास का फर्ज है बहू के बनने बिगड़े कामों को ढांपना, मगर तू तो उनकी हर छोटी बड़ी गलती की चटर पटर चाट बनकर हमारे बीच बांटती है। कादम्बरी की बात सुनकर चुगलखोर सास कुड़कुड़ाती हुई कहती है,
अरे तुम लुगाइयां भी तो मेरी बनाई चाट चखने के लिए लपक पड़ती हो। अरे अब जब सास को दी अपनी बहू की बुराई पेश करेगी तो हम अपने कान कोल्हापुर तो कुरियर कर नहीं देंगे, क्यों बहनों? बात तो एकदम ठीक बोली है कादम्बरी। अरे मुफ्त का मिर्च मसाला कौन छोड़त है का? मगर सच बोला था मंदा, चुगलखोरी में भी तो तूने मंथरा को भी मात दे दिया, तभी तो गऊ जैसी बहुओं के गदहे जैसे खटनी के बाद भी बिन बिन कर बुराई निकालती है मरजानी मंदा। ऐसा कहते हुए मंडली में बैठी औरतें मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं, जिसे देखकर चुगलखोर सास मुंह चमकाती हुई घर लौटकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर तीनों बहू बतियाने लगती हैं। हेमा, सिया, सासू जी को का हुई गवा? अभी कुछ देर पहले तो ये बाहर बड़े ठाट से ठुमकती हुई गई थी, फिर आंधी तूफान के जैसे लौटकर कैसन आ गई? जरूर आज मंडली ने हमारी चुगलखोर सास की मुठभेड़ हुई है, इसी बहाने कम से कम इनकी मंथराई धराशायी तो हुई। तीनों बहू अपने मन में खुशी मना रही थी कि उनकी चुगलखोर सास सुधर गई हैं। मगर वो कहावत तो सभी ने सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। दोस्तों, क्या चुगली मंडली छूटने के बाद सास कौन सी खुरापाती खिचड़ी बनाएंगी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाय रे, मुझे मुंह फुलाकर मंडली से आना नहीं चाहिए था, बगैर चुगली यहाँ तो मेरे पेट का खाना ही हजम नहीं हो रहा। थोड़ी देर में सास के तीनों बेटे काम से थके हारे घर लौट आते हैं, तभी सास माथे पर हाथ धरकर बैठ जाती है। अरे अम्मा, सर पर हाथ पकड़कर क्यों बैठी हो? अरे क्या बताऊं बेटा, सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, फिर बहू तो अपने मिजाज की मालिक है, कब से बुलाहट दे रही हूँ उन्हें, मगर किसी ने चू भी ना कसा। अब तो ये राम से यही विनती करती हूँ कि मुँह बुढ़िया की चलती फिरती माटी उठा ले। ऐसा क्यों कह रही हो अम्मा, मैं अभी खबर लेता हूँ इन लगाइयों की। जोमरी, सिया, हेमा, जल्दी आओ यहाँ। अरे क्या हुआ जी, गर्मा गर्म मिजाज में काहे हो, दफ्तर में लफड़ा हुआ है का? अरे तुम तीनों घर में क्या दिन भर अचार डालती हो, जो सास की कोई खोज खबर नहीं है। मगर जेठ जी, हुआ क्या है जो आप इतना भड़क रहे हैं? अरे यहाँ माँ का सिर दर्द से उफन रहा है, माँ कब से आवाज दे रही है मगर तुम तीनों के कान पे जैसे इंजन अटका हुआ है जो सुनाई नहीं दिया। मगर अब अगर मगर मत करो और सास की सेवा करना सीखो। बहू को डांट खाता देखकर सास खुश होकर बोलती है, अरे क्या चाल चली मंदा, महफिल जीत ली तूने तो। ये तो सास की चुगलखोरी की चटपटी शुरुआत है बहुरानियों, आज सिर्फ डांट खिलाई है, कल को लात का भी लुत्फ जरूर उठाएगी। ऐसे ही रात ढल जाती है और सुबह का सूरज सर चढ़ता है, सास की चुगलखोरी शुरू हो जाती है। सास जानबूझकर सीढ़ी से फिसलने का नाटक करती है। अरे मोरी मैया, मर गई रे, अरे बचाओ रे बचाओ। आवाज सुनकर बहू और बेटे सास के पास भाग कर आते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप गिर कैसे गई? अरे हट जा मर जानी, मत कर ये झूठा दिखावा। अरे बेटा, भगवान के लिए तो मुझे वृद्धाश्रम भेज दे, वरना ये जालिम बहुएं मेरी जान ले लेंगी। अरे सास को मारने के लिए साजिश करती हो बहुरानियों, भगवान से डरो। बेचारी बहू सास की साजिश समझ नहीं पाती, मगर बेटे अपनी माँ की मंथराई से भला कैसे बचते। तुम तीनों हमारी माँ को रास्ते से हटाने के लिए इस हद तक गिर गई हो, क्यों उन्हें गिराना चाहा? अरे हम ऐसा क्यों करेंगी, माँ जी को मार कर हम बहू को क्या मिलेगा? आजादी, क्योंकि सास के रहते तुम बहुओं को खुले सांड की तरह मटर गश्ती मारने की छूट तो नहीं। सास की चटपटी चुगलखोरी चाल बेचारी बहुओं की बोलती बंद कर देती है। ऐसे ही बीतते दिनों के साथ तीनों बहू की हालत पतली हो जाती है। सास की एक चुगलखोरी उन्हें कटघरे में खड़ा कर देती है। इस बात से परेशान होकर तीनों बहू आपस में बातें करती हुई कहती हैं, ये सासू माँ की चुगलखोरी का सिलसिला तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जब देखो हम तीनों बहू की रेल बना देती हैं। अरे ताकत है, सासू जी अपने दिमाग में चुगलखोरी की खेती किए बैठी हैं, तभी तो हमारे पतियों के सामने मिर्च मसाला पेश करती हैं। अब हमें सासू माँ को उन्हीं के शब्दों में सबक सिखाना पड़ेगा। शाम होते ही तीनों लोगों की नजर घड़ी पर गड़ी होती है कि सास कहती है, अरे क्या बात है बहुरानियों, आज खाना नहीं बनाना क्या जो टीवी में घुसी बैठी हो? माँ जी, जब आपको आपकी तीनों बहुओं की कदर ही नहीं तो हम बेफजूल क्यों किचन में करछा चमचा चलाएं, और फिर आपको हमारे हाथों का खाना पसंद भी तो नहीं आता। अरे तो क्या इस उम्र में तीन तीन बहू के रहते मुझ बुढ़िया को खाना पकाना पड़ेगा? हाँ माँ जी, चुगलखोरी की चटनी तो आप रोज रोज बनावत हैं, आज खाना भी बना लो।
बहू को हाथ खड़ा करते देखकर चुगलखोर सास कुड़कुड़ाती हुई खुद ही किचन में जाकर खाना बनाती है। इनकी ये मजाल जो ये बहू सास से बगावत पर उतरे, आज अपने बेटों से एक की दो लगाकर इन काम चोर कम्बख्त बहू की सुतई ना करवाई तो मैं भी इनकी चुगलखोर सास नहीं। शाम को तीनों बेटे घर आते हैं, तभी माँ को खोजने लगते हैं। माँ माँ कहाँ है आप, जल्दी से बाहर आइए माँ। अरे माँ जल्दी बाहर आइए। अरे आ गए मेरे बेटे। डोंट डिस्टर्ब माँ जी, आप किचन में कंटिन्यू कीजिए। अरे तुम तीनों के रहते माँ किचन में काम क्यों कर रही है? अजी क्या है ना, सासू माँ को हमारा बनाया खाना पसंद नहीं आता और माँ जी को आप तीनों की सेहत की चिंता भी सता रही थी, इसलिए माँ जी ने कहा कि अब से अगले महीने भर तक वो खुद ही खाना पकाएंगी। अरे फिर तो हम तीनों बेटों की बल्ले बल्ले हो गई, महीना भर माँ के हाथों का खाना मिलेगा, और क्या चाहिए। तीनों बहुएं सास के खिलाफ बेटों के मन में समझदारी से बीज बोती हैं, जिसमें चुगलखोरी का नतीजा कुछ इस तरह निकल कर आता है कि सास को किचन का काम और बहुओं को आराम मिल जाता है। साथ ही चुगलखोर सास का सारा ध्यान रसोई घर में खाना पकाने में बढ़ जाता है और सास के खुराफाती दिमाग की डाल पर बैठी चुगली की चिड़िया कोसों दूर उड़न छू हो जाती है। निहालपुर नामक एक गांव था जो कुछ हद तक एक आधुनिक शहर में तब्दील हो रहा था। सुमन नाम की सास की पांच बहुएं थी, जिनमें से तीन गांव की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और स्वभाव से भोली भाली रंग रूप से काली थी। वहीं दो देवरानी शहर से थीं, जो अपने गोरेपन अमीर और पढ़ाई पर बहुत इतराती थी। ऐसे ही एक सुबह की बात है, तीनों काली जेठानियां जल्दी उठकर काम करती हैं, एक साफ सफाई, दूसरी खाने की तैयारी करती है, तीसरी माला पिरोती है। ये देखकर सुमन कहती है, अरे वाह वाह वाह, तुम तीनों ने तो जल्दी उठकर मेरी पूजा की सारी तैयारी कर दी, और वो दोनों देवरानियां कहाँ है तुम्हारी? माँ जी, सुप्रिया और पूजा सो रही थी, उन्हें जगाया तो वो आई नहीं, इसलिए हमने ही आपकी तैयारी कर दी पूजा की। माँ जी भोग भी बनाया है, अब आप पूजा कर सकती हैं। तुम तीनों बहुओं मेरी कितनी अच्छी हो, लेकिन वो दोनों हर काम में पीछे रहती हैं तुमसे, और मेरी सोमवार की पूजा की तैयारी तुम तीनों ही करती हो, पता नहीं कब वह दोनों अपनी जिम्मेदारियां समझेंगी। कोई बात नहीं माँ जी, सोने दीजिए उन्हें, छोटी हैं। तभी सास पूजा की विधि शुरू करती है, जहां तीनों मिलकर सास के साथ पूजा करती हैं। पूजा खत्म करके सास सबको प्रसाद देती है, तभी उनकी दोनों छोटी बहुएं जो कि मॉडर्न साड़ी और ब्लाउज पहनती थीं आकर कहती हैं, ओ माँ जी आपने पूजा कर ली, ओ गॉड हम दोनों लेट हो गए। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग माँ जी, आपके लिए चाय बना दूं? शर्म करो तुम, नास पीटी कहेंगी, सारी पूजा पाठ साफ सफाई हो गई, खाना बन गया, तब जाकर तुम उठकर आ रही हो और मुझसे चाय की पूछ रही हो। मेरी होनहार बहुओं ने चाय भी पहले ही बना दी, अब तुम्हारा क्या काम है? माँ जी मेरी आंख नहीं खुल रही थी, इसलिए मैं लेट आई हूँ, रात को मैं हॉरर मूवी देख रही थी। और माँ जी मैं तो जल्दी सोई थी, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई और मेकअप करने में इतना टाइम लग गया। अब वह तीनों तो काली हैं, तो उन्हें मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें तो सुंदर दिखना है ना। छोटी बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो, एक बार फिर तुमने अपनी जेठानियों को काली बोलने की कोशिश की, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। माँ जी आप तो राशन पानी लेकर चढ़ जाती हो। सुप्रिया जेठानी जी ने तो इतना कुछ भी गलत नहीं कहा, आपको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए कि इस घर की आपकी दो गोरी बहुएं हैं, आप हमारी शक्ल बाहर वालों को दिखा सकती हैं, पर इन तीनों काली जेठानियों को तो नहीं दिखा सकती ना। ऐसे भी माँ जी आप तो उन तीनों का ही गुणगान करते हैं, हम तो कामचोर बहुएं हैं ना आपकी। पूजा बस बहुत बोल दिया तुमने, हम तीनों सुने जा रही, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलोगी, और वैसे भी तुम काम भी नहीं करती हो, फिर भी हम तीनों मिलकर काम संभाल लेती हैं, तुम तो बहाना बनाकर बाहर चली जाती हो। और सूरत का क्या है, हमारी जिनसे शादी होनी थी हो गई, अब किसे अपनी शक्ल दिखानी है, हमारे पति हमसे खुश हैं और माँ जी तो हमें बहुत प्यार करती हैं। एक बात और सुप्रिया, पूजा काले गोरे में भेदभाव तो लोग करते हैं, भगवान ने तो हम सबको एक समान बनाया है। वही टिपिकल बहू वाली बातें, जेठानी जी आप देख रही है ना, बड़ी जेठानियों को काला कहने पर कितना बुरा लगा और कितनी आसानी से उन्होंने भगवान का नाम लेकर बात खत्म करनी चाहिए। वेल, हमें तो हमारे पति हमें रूपवती अंदाज में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब करना जरूरी है, आपकी तरह नहीं सिर्फ करवा चौथ आने पर ही ब्यूटी पार्लर जाएं। बस बहुत हो गया, तुम पांचों का चूहे बिल्ली की तरह लड़े जा रही हो, जाओ अपने अपने कमरे में और वहीं नाश्ता करना, और अर्चना बहू मेरा नाश्ता भी कमरे में ले आओ।
जी माँ जी। तभी अर्चना अपनी सास को कमरे में खाना परोस देती है। वहीं बाकी सब भी कमरे में खाना खाते हैं। वक्त बीतता है। घमंडी देवरानियों का निशाना हमेशा काली जेठानियों पर ही रहता था। वह उन्हें ही परेशान किया करती थी। तीनों जेठानी ने मिलकर खाने को तैयार कर दिया था। तभी देवरानी पूजा सुप्रिया कहती है, पूजा यहाँ कोई भी नहीं है। ये अच्छा मौका है जेठानियों के बने हुए खाने में नमक मिर्च मिलाने का, जिसके बाद सासू माँ से सुनेंगी और अपने पति देव से भी। बिल्कुल दीदी। फिर दोनों खाने में नमक मिर्च को मिला देती हैं, जिसे खाते ही घर के परिवार वाले तीनों बड़ी बहू को सुनाते हैं। शिल्पा, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? तुम्हें पता है ना, तेज मिर्च नहीं पसंद मुझे। ऐसे बनता है खाना? देख रही हो तुम तीनों को, उन दोनों को सुनाकर तुम्हारा पक्ष लेती हूँ, इसलिए आजकल तुम्हारा खाना ठीक से नहीं बन रहा है। शिल्पा जेठानी जी, काजल दीदी, अर्चना दीदी, आप दोनों से खाना नहीं बनता और आपको आलस आता है, तो आप हमें कह सकते हैं? खाना बनाने की जिम्मेदारी हम ले सकती हैं। मानते हैं मेकअप करते हैं, शहरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ बनाना नहीं आता। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, हम तीनों ने खाना बहुत अच्छे से बनाया है, यहाँ तक कि चखा भी है। देखा माँ जी, जेठानी जी का क्या है, कभी भी अपनी गलती नहीं मानती है। वो सोचती है कि हर काम परफेक्ट तरीके से करती है। हाँ वो तूने ठीक बोला, अब से खाने का जिम्मा तुम दोनों का है। अरे शुक्रिया जेठानी जी, पागल हैं क्या, अब मुझे भी रसोई में पिसना होगा। ऐसे ही अगले दिन जब तीनों कपड़े धो रही थीं, तो वह कपड़े में हार्पिक मिला देती हैं, जिससे कपड़े खराब हो जाते हैं और इल्जाम तीनों जेठानी के ऊपर आता है, जिसके बाद सुमन उन्हें बहुत सुनाती है। इतना ही नहीं, काजल के पोछा लगाने पर सास फिसल जाती है, तो वो कहती है, अरे मोरी मैया मर गई, मार डाला, काजलड़ी बहुरिया, अरे तुम्हें आजकल पता नहीं क्या हो गया है, जो तुम मेरी जान के पीछे पड़ी हो, इतनी आज्ञाकारी से हिंसाकारी कैसे हो रही हो। माँ जी मैंने तो यहाँ का फर्श सुखा दिया था, फिर गीला कैसे हो गया, मुझे तो लग रहा है जरूर दोनों देवरानियों का काम है। पता था तू यही बोलेगी, पता नहीं कैसे पांचों बहुएं हैं मेरी, जो आपस का बदला मुझसे निकाल रही हैं, छोड़ूंगी नहीं मैं। शाम को सुमन अपनी पांचों बहुओं को बुलाती है, तभी तीनों जेठानियां आकर खड़ी हो जाती हैं। वहीं बहुत देर बाद दोनों मेकअप से लीपा पोती कर आकर कहती हैं, हाँ बोलिए माँ जी, आपने क्यों बुलाया है? पड़ोसन के सत्संग में जाना है, पर ऐसे क्यों तैयार होकर आई हो? वो क्या है ना माँ जी, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं अपनी फ्रेंड की, इसलिए हमने ऐसे कपड़े पहने हैं और इतना मेकअप करने में टाइम लगा दिया। सब जेठानी जी की तरह काले तो नहीं है जो खादी की साड़ी में एक बिंदी लगा कर चले जाए? सुधर जाओ, इस तरीके के कपड़े मत पहना करो। और ये क्या है, बार बार तुम जेठानियों को ताना मारती हो, देखना एक दिन तुमसे भी ज्यादा सवा शेर कोई आएगा। माँ जी आज तक जितनी भी घर में गड़बड़ हुई है ना, मैं जानती हूँ, वो सब इन दोनों ने ही किया है, मैंने सुना भी है। ऐसा है जेठानी जी, अगर आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो प्लीज हवा में बातें मत कीजिए। सुप्रिया बहू अपनी जुबान पर लगाम दे, मैंने अपनी आंखों से तुझे सब्जी में गड़बड़ करते हुए दो बार देखा है, और वो फर्श सूखा था, और अच्छे से जानती हूँ कि तूने ही पानी फैलाया है, इसलिए मैंने भी जानबूझकर तीनों बड़ी बहू को डांटा, और तुम्हारे चेहरे की खुशी ने साफ जाहिर कर दिया था कि सारा कारनामा तुम्हारी वजह से हुआ है, और मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बहू हो, जो मिल बांट कर प्यार से नहीं रह सकती। हमेशा तुमने बड़ी बहुओं को कालेपन को दोष दिया, सिर्फ तुम गोरी हो, इतना घमंड भी ठीक नहीं होता बहुओं। तभी सुप्रिया का पति अपने गोरी बॉस को घर लेकर आता है, जो उन दोनों देवरानियों से भी ज्यादा सुंदर थी और फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। तीनों बड़ी बहू उनका आदर सत्कार करती है बजाय उन दोनों देवरानियों के, जिसके बाद वो बॉस उनकी झंड कर देती है। कहा था ना बहू, शेर का भी सवा शेर होता है, देखो तुमसे ज्यादा गोरी तो ये है, तो तुम्हें भी काली कहा जाए क्या, क्योंकि तुम्हारी जेठानियां इतनी भी काली नहीं है, सांवली है। माँ जी, जेठानी जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हमारे गोरेपन का घमंड टूट चुका है। इस तरह सुमन और तीनों बड़ी बहुएं घमंडी देवरानी को माफ कर देती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।